शहरों के विकास में जिन गरीबों का खून पसीना लगता है, वो उसी शहर में बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर होते रहे। जब निर्माण कार्य करने वाला ही पीछे रह जाता है तो निर्माण भी अधूरा ही रह जाता है। अभी तक तो कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी जी रहे थे, नाली के कीड़ा हम लोग के घर में आ जाते हैं। बेटी बड़े बड़े ग्रेजुएशन करने गया, फिर भी रिश्ता के खाते झुग्गी वाला से लड़की नहीं लेंगे। मेरा नाम निखिल विश्वास, मेरा वाइफ नाम मीता विश्वास, हम भूमिका कालका जी से आए। मोदी जी हमारे को गंदगी से और बस्ती से झोपड़पट्टी से उठा करके एक माहौल में एक छत वाला मकान में शिफ्ट कर दिया। इसके लिए मेरे लिए बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत खुश हूँ। मोदी जी जैसे काम ऐसे दुनिया में और कोई नहीं कर सकता है, जो गरीबों को मुसीबत बन के सामने आ गया। ये बिल्डिंग जब बन रही थी मैं देखा था, दो दो इंची का सरिया लगा था, काफ़ी उसमें काफ़ी हाई फाई हिसाब से बना है। तो ये पहले से ये भनक लग रही थी कि झुग्गी वालों को मिलेगा, लेकिन ये हमें उम्मीद नहीं था कि यहाँ हमें मिलेगा। हम तो सोचे इसमें बड़े हाई फाई लोग आएंगे, वीआईपी लोग के लिए, हमारे लिए थोड़ी होगा। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है जो मोदी जी हम लोग के लिए जो ऑफर दिए और हम लोग को उसमें रहने का मौका दे रहे हैं, ये तो बहुत बढ़िया। दशकों तक देश में जो व्यवस्था रही उसमें ये सोच बन गई थी कि गरीबी केवल गरीब की समस्या है, लेकिन आज देश में जो सरकार है वो गरीब की सरकार है, इसलिए वो गरीब को अपने हाल पर नहीं छोड़ सकती।